पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। गिर रहा, लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है, एक बता दो किस पे कार्रवाई की गई हो, कौन पकड़ा जा रहा है। हाँ, घूम फिरा करके तेजस्वी और लालू जी को गाली देते हैं लोग इशू को डाइवर्ट करने के लिए। हम ही लोग पुल गिरवाते हैं, हम ही लोग ट्रेन हादसा करवाते हैं, हम ही लोग पेपर लीक करवाते हैं, ये लोग तो एकदम दूध का धुला हुआ सब बैठा हुआ है सर। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। नीट पेपर लीक मामले को लेकर एनडीए सरकार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमलावर है। अपने ऊपर लगे आरोपों का अब तेजस्वी यादव ने खंडन किया है और कहा कि इतने सारे रेल हादसे हो रहे हैं, किस किस पर कार्रवाई की गई है, पुल हादसे हो रहे हैं, किस किस पर कार्रवाई की है। जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो ठेकरा हमारे या फिर हमारे पिता लालू प्रसाद यादव पर फोड़ दिया जाता है और हमें गाली दिया जाता है, लेकिन अब हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। नीट पेपर मामले का पर्दाफाश करके रहेंगे। सरकार जो है वो इस मामले को डाइवर्ट करना चाह रही है, लेकिन हम लोग किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ साथ निष्पक्षता से इसकी जांच हो, इसकी मांग करते हुए नजर आ रहे तेजस्वी यादव। तो साथ ही साथ यह भी ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद तेजस्वी यादव जनता के बीच जाएंगे और उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे, जैसे उन्होंने पहले लोकसभा चुनाव से पहले जनता के बीच गए थे। जन विश्वास यात्रा के दौरान एक बार फिर वो 15 अगस्त के बाद जनता के बीच रहेंगे। तो साथ ही साथ यह भी कहते हुए नजर आए, हमारे चाचा ने वनवास नहीं भेजा है, जनता के बीच भेजा है। इसी के साथ साथ अन्य मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे तेजस्वी यादव, पहले आप यह पूरा बयान सुने। अब ये तो देखना पड़ेगा उसके अंदर क्या है ना, लेकिन आप देखिएगा लगातार जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य पेपर लीक होता रहा है, हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद भी आप देखिएगा जो शिक्षा विभाग से शिक्षकों की जो तीसरा जो चरणबद्ध जो निकलना था उसको रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया, और वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है, बारी बार बेल करा लिया। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है, संजीव मुखिया करके है, अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सरकार से हम अपील करते हैं कि इसकी जांच कराएं। जो संजीव मुखिया, नीतीश मिश्रा, ये नीतीश कुमार और जो एक और जो पकड़े गए हैं अमित आनंद, इन लोगों का हेड वही बताया जाता है जो हम लोगों ने पता किया। अब जांच कराया जाए, नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि जांच एजेंसियां जो हैं निष्पक्षता से जांच करें, और बाद में ये सब चीज़ छुपने वाला थोड़ी है। जो बेईमानी किया है, जिसने छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसको तो हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी। हम लोग एकदम पर्दाफाश करा जाएगा, भले ही सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी मंशा है कि इधर उधर कर दिया जाए, मामले को ध्यान भटका दिया जाए, लेकिन जो पेपर लीक करने वाला वो बचेगा नहीं। दूसरी तरफ आप लोग भारत सरकार का पूछ रहे हैं कि हल्ला बिल ला रहे हैं पेपर लीक रोकने के लिए, है ना, लॉ ला, हाँ, वो लीक ना हो उसके लिए लॉ ला रहे हैं। पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि लीक हुआ, इनके लिए कौन सा लॉ लाया जाए ये बताना पड़ेगा ना। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के बड़े अनुभवी मंत्री हैं, वो तो मानते ही नहीं थे कि भाई पेपर लीक हुआ। जो नहीं मानने वाला उसके लिए भी लॉ ले आया जाए। लगातार पुल गिर रहा है, पुल गिर रहा है, लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है, एक बता दो किस पे कार्रवाई की गई हो, कौन पकड़ा जा रहा है। हाँ, घूम फिरा करके तेजस्वी और लालू जी को गाली देते हैं लोग इशू को डाइवर्ट करने के लिए। हम ही लोग पुल गिरवाते हैं, हम ही लोग ट्रेन हादसा करवाते हैं, हम ही लोग पेपर लीक करवाते हैं, ये लोग तो एकदम दूध का धुला हुआ सब बैठा हुआ है सर, अपना काम कर रहा है। हमने पहले भी कहा 15 अगस्त के बाद हम लोग जो है कार्यक्रम बना करके 15 अगस्त के बाद
हम जनता के बीच में नहीं है। जब से सरकार गई है हमने विधानसभा में भाषण दिया कि नीतीश जी ने हमको वनवास नहीं बल्कि जनता के बीच भेजा है, और तब से लगातार हमने यात्राएं की हैं, लगातार रोड से पूरे बिहार की यात्रा की है। उसके बाद भी हम लोगों ने जो है चुनाव में सबसे ज़्यादा रैलियाँ 250 रैलियाँ हम लोगों ने की हैं, हर जगह जनता के बीच रहे हैं। फिर 15 अगस्त के बाद लगातार जनता के बीच ही हम मिलेंगे आप लोगों को, ये हम लोगों का पूरा हम लोग एकदम निष्ठा से उनके बीच रह करके उनकी आवाज़ को उठाएंगे। और जो अभी बहाली निकलने वाली है, जो आरक्षण ख़त्म हो गया भाजपा ही, तो अब बहाली अगर निकलेगी तो आरक्षण का लाभ तो मिलेगा नहीं लोगों को। जो नई नियुक्ति होगी, जो बहाली अगर निकाली जा रही है, तो इसमें भी आरक्षण का लाभ तो उन लोगों को नहीं मिलेगा। ये लोग जो है सत्ता में बैठे हुए लोग अपना आगे आप मजे ले क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे ना भाई, सड़क पे आएंगे हम लोग 15 अगस्त के बाद, देखिए क्या होता है। दो दिन समीक्षा की थी तेजस्वी यादव ने, क्या हो गया यार? अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडित करते हुए नजर आए तेजस्वी यादव और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब जांच होगी तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जो राज्य सरकार है, ये लोग मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। तो साथ ही साथ निष्पक्षता से जांच हो इसकी मांग तेजस्वी यादव करते हुए नजर आ रहे थे। तो साथ ही साथ यह भी ऐलान करते हुए नजर आए कि 15 अगस्त के बाद वो जनता के बीच रहेंगे। इसी के साथ अन्य को लेकर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।